तो पहाड़ पर आज असली दीपावली है। जी हाँ, इगास पर्व मनाया जा रहा है जिसे पहाड़ में दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर उत्तराखंड में जगह जगह इगास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इगास को कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पर्व दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने की जानकारी पहाड़ के लोगों को 11वें दिन मिली थी और इसी खुशी में लोग इगास पर्व मनाते हैं। तरीका है मनाने का, हम भैला खेलते हैं, भैला जलाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, स्वाले बनाते हैं और गांव में तमाम जो है अपने लोगों को गांव तमाम इकट्ठा इसको मनाते हैं। सारा गांव इकट्ठा होता है, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और एक साथ जो है एक मैदान में, खुले मैदान में आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर, और मिठाइयों का तो रिवाज अब आया है, पकौड़े खिलाकर हमारे पारंपरिक जो खाद्य व्यंजन होते हैं वो बनाकर एक दूसरे को बधाइयाँ देकर और भैला खेलते हुए इस त्यौहार को। इगास पर्व पहाड़ का पारंपरिक लोक पर्व है जो दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है। पिछले कुछ साल से इस पर्व को फिर से पहचान मिली है, ये सभी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम की बदौलत हुआ है। उत्तराखंड में त्योहार मनाने का अपना अलग ही अंदाज है, अपना अलग ही रिवाज है। इगास भी एक ऐसा लोक पर्व है जो अपने आप में सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए है। उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज और त्योहारों को मनाने का बेहद ही अनूठा है। दीपावली को पहाड़ में इगास के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के 11वें दिन पहाड़ पर इगास पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का उत्तराखंड के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लोग इस दिन सदियों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को इगास की बधाई दी है। इगास के दिन भैलो खेलने का रिवाज है। ये दिन ऐसा है जब सब लोग मिलकर भैलो खेलकर पारंपरिक डांस करके अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। राज्य सरकार ने इगास पर्व पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की है जिसका विपक्ष भी स्वागत कर रहा है। लोक पर्व है जिसको हमारे यहाँ बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं और बूढ़ा केदार की दिवाली के नाम पर बूढ़ा दिवाली का नाम पड़ा, बल्कि आज बूढ़ा केदार में एक समारोह हो रहा होगा, शिव जी का पूजन हो रहा होगा, एक प्रकार से शिव पूजन का भी त्यौहार है। और इस दिन जो भैलो है वो कुछ इलाकों में, हमारे उत्तरकाशी टिहरी इस इलाके में बहुत प्रचलित है और उसी दिन वहाँ के राजा को जो है नेपाल के ऊपर विजय हासिल हुई थी और एक बहुत बड़े व्यक्ति जो है वो लौट करके आए थे, तो उसमें जो है वो भैलो खेलते हैं और वो अपने आप में जो है एक बड़ी वो है। और ये अच्छा किया मुख्यमंत्री ने कि इसको छुट्टी घोषित कर दी। भैलो से पहले लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं, ढोल दमाऊ के साथ अलग अलग टोलियां नृत्य करती हैं। इसमें महिलाएं भी पुरुषों के साथ पारंपरिक नृत्य करती हैं। पारंपरिक नृत्य के बाद लोग भैलो खेलते हैं। भैलो में लकड़ियों का एक गट्ठर जिसे रस्सी से बांधा जाता है। लकड़ियों का ये गट्ठर चीड़ से बनाया जाता है। चीड़ की लकड़ी में तेल होता है जो कि आग लगने पर काफी देर तक जलती रहती है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित के साथ, देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो देखिए, इगास पर्व को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोशिशों को सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता तक सराह रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो देखिए, अनिल बलूनी की ये कोशिश रही है, पिछले 3 साल से उन्होंने इगास पर्व को प्रचारित किया, प्रसारित किया कि कम से कम इस दिन प्रवासी अपने घर जाएं, दिया जलाएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो अनिल बलूनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे नेता हैं और राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की
और आज मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो मुहिम थी आज रंग लाई है और इसकी व्यापकता आप देख सकते हैं। आज सरकार को भी छुट्टी करनी पड़ी इगास की, अपने आप में बड़ी बात है। और धीरे धीरे करके जो उनकी मंशा थी वो पूरी होती जा रही है, हर आदमी से जुड़ रहा है। अभी आप देखेंगे देहरादून में ही तमाम कार्यक्रम इसके होने जा रहे हैं, इगास के कार्यक्रम होंगे, हम लोग उसमें सम्मिलित होंगे। मेरे अपने विधानसभा में 2-3 जगह कार्यक्रम कम से कम रहेंगे। महत्वपूर्ण भूमिका हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमान अनिल बलून जी, जो कि मेरी विधानसभा से आते हैं, और उनका बड़ा आशीर्वाद भी रहा मेरे ऊपर भी, और हमारे क्षेत्र के लिए उनका जो योगदान है वो अग्रणीय है। और उन्होंने ये पहल की कि इगास अपने गांव में अपने घर पे मनाई जाए, और वो हर समय अपने गांव में आते हैं, हर साल आते हैं, और निश्चित रूप हम सब लोग जाते रहे पिछले सालों भी उनके पास। और इस समय तो और बढ़िया है कि मैं विधायक के रूप में भी हूँ। तो उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी प्रदेशवासियों को इगास पर्व की बधाई दी। उत्तराखंड के सांस्कृतिक लोक पर्व इगास भगवाल पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में दीपावली त्योहार के 11 दिन के पश्चात भगवाल इगास बनाने की प्राचीन परंपरा है। प्रदेश सरकार ने इस लोक पर्व की महत्वता एवं पौराणिकता को देखते हुए इस बार भगवाल इगास 4 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। पहाड़ की लोक संस्कृति से जुड़े इगास भगवाल पर्व के दिनों घरों में साफ सफाई होती है, और उसके बाद लोग मीठे पकवान बनाते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कीर्ति मास में इगास भगवाल पर्व पर शाम के समय गांव के किसी खाली खेत अथवा खलिहान में नृत्य तथा भैलो खेला जाता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।